ये देखिए स्कूटर इधर का। अरे भाई साहब, ये देखो ऐसा लग रही है मुझे मार डालेंगे, इतने बड़े बड़े ये लोग। गाइस ये अलमाटी का सबसे टॉप पे, हम इससे ऊपर नहीं जा सकते। हम इससे ऊपर जाएंगे तो भगवान के पास पहुंचेंगे। अरे इन्होंने क्या पहना ही है? नाइस नाइस नाइस। अभी हम कर रहे हैं ड्रोन शूट। चैनल एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग गाइस। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हम हैं अलमाटी पे, कजाकिस्तान पे। तो आज हमारा यहाँ पे सेकेंड डे है। यस्टरडे वी कवर्ड कोलसाई लेक एंड शायरिन कैनियन और ब्लैक कैनियन एंड कुछ कुछ चीज़ें हमने कवर की जो कि आप सबको पिछले व्लॉग में दिखाया है मैंने। और अगर आप सबने वो वाला व्लॉग नहीं देखा है तो मेरे पिछले वाले व्लॉग को पहले जाके देखिए, उसके बाद ये वाले व्लॉग पे आइएगा। एंड जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। सो विल गो डाउन स्टेयर्स, विल हैव आवर ब्रेकफास्ट फर्स्ट एंड देन विल हेड टूअर्ड्स अवर डेस्टिनेशन। आज हम कवर करेंगे तीन प्लेसेस आई गेस। सो एज ऑफ नाउ हम होटल से निकलते हैं। सो यस गाइज, अभी हम लोग जा रहे हैं। सो यस स्टे ट्यून्ड। और कल हमें बहुत प्रॉब्लम हुई कोलसाई लेक पे, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा ठंड थी और हम चले गए ऐसे बिना हैंड ग्लव्स के, बिना कैप वगैरह के। तो आज हम एकदम तैयारी के साथ जा रहे हैं, पूरा बैग में हैंड ग्लव्स वगैरह डाल लिया है, बिकॉज वी नो वहाँ पे स्नो होगा एंड बहुत ही ज़्यादा ठंड होगी। सो यस गाइज, वी आर वेल प्रिपेयर फॉर टूडे। अभी हम लोग निकलते हैं। हाँ 9:25। यस गुड मॉर्निंग। गाना बजा रहे, कितना प्यारा। सो प्रिटी। हाय, आपको हम लोग कॉल कर रहे थे इसलिए नहीं लगा होगा। हाय हाय नैन्सी दी, शी इज नैन्सी दी। आप लोग ने देखा है कल इनको। ये है श्वेता। सभी ब्रेकफास्ट खाते हैं, उसके बाद जाते हैं बाहर का नज़ारा देख लीजिए। बाय। सो गाइज, खा पी के हम निकल गए हैं बाहर। अभी ये देखिए होटल के बाहर है हम। गाइज ये देखिए स्कूटर इधर का। अरे भाई साहब, इसका वो भी गर 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 गर। इस पे ना कार्ड डालना पड़ता, लेकिन हमारे पास कार्ड है नहीं, तो मैंने ऐसे बस पिक्चर भी कर। गाइस अभी हम लोग हैं शिम्बुल लेक पे, विच इज़ क्वाइट फेमस अलमाटी में। तो ये देखिए ऊपर ये क्रेन वाला जो है ना, वो भी चल रहा है। अभी हम भी करेंगे ये। गाइस आई एम सो सॉरी, आई वाज सेइंग दिस इज दिस शिम्बुल लेक, इट्स शिम्बुलक, शिम्बुलक। आई थॉट इट्स अ लेक, इट्स नॉट अ लेक, इट्स अ शिम्बुलक, शिम्बुलक। तो ये जगह का नाम है शिम्बुलक। स्कैम हो गया मेरे साथ। इमिग्रेशन के टाइम पे मैंने ये निकाला था ना पासपोर्ट, पासपोर्ट पर्स में रह गया, फिर टोट बैग में। इमिग्रेशन के टाइम पे मैंने निकाला था, मुझे लगा इसी पे होगा, मैं लेके आ गया और उस पर पासपोर्ट ही नहीं है। कंसेशन हो जाता हमारा थोड़ा सा, लेकिन 500 देंगे हमने वो करवा लिया। पासपोर्ट लाना भूल गई मैं, मुझे लगा इस पे होगा पासपोर्ट, मैं बस उठा के लेके आ गई। इतना इतना बार हमने याद किया ना कि पासपोर्ट पासपोर्ट, फिर भी इतना शेमलेस बच्चे ना? भूल गए। सुबह पे मैंने टेबल पे ब्रेकफास्ट टेबल पे बोला पासपोर्ट पासपोर्ट पासपोर्ट, मुझे 5000 देंगे देके भी इनका मन नहीं भरा। हाँ कल हमारे साथ क्या हुआ, पासपोर्ट नहीं लाए थे ना हम, तो हमें मतलब 5000 देंगे। गाइस ये देखिए, ये हमें मिल गया है टिकट जो कि 6000 टेंगे का है। टिकट ले लिया और हमने ये पानी बोल के लिया था ना,
इट्स वो क्या बोलते हैं सोडा. एक्चुअली ना इस पे इंग्लिश पे सिर्फ वाटर लिखा है और ये जो है ये इनका जो लैंग्वेज में लिखा है वो गैस है. तो हमें तो ये पढ़ना आता नहीं है, हमने वाटर भरा और हमने वाटर ले लिया, निकला सोडा. ये भी स्कैम, हर एक चीज में स्कैम हो रहा है हमारे साथ. बस अब ये टिकट नहीं घुमाना है, रख लेती हूँ. गाइस ये देखिए नीचे कितना खूबसूरत लग रहा है. मेरे साथ साथ ना आप सबकी भी मेमोरी बन रही है, जब आप लोग बुड्ढे हो जाओगे ना ये देखना. ये हमारे भैया जब तक ना YouTube का नेक्स्ट वर्जन आ जाएगा. कोई नहीं, फिर भी देख लूंगी पुराने वर्जन में, ब्लैक एंड व्हाइट में भी मैं देख लूंगी खुद को. ओल्ड वीडियोस पूजा बोरो से डाले, ओल्ड वीडियोस पूजा बोरो ओल्ड वीडियोस. हां ये देखिए ये 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 जा रहे गंडोला. हमारे जो लैंग्वेज है ना गंडोला मतलब वो होता है क्या बोलते हैं उसको, बटरफ्लाई का और एक दूसरा वर्जन नहीं होता है ड्रैगन फ्लाई, उसको बोलते हैं गंडोला. गंडोला कैसे उड़ता है? मुझे बंजी जंपिंग करना है भैया, उधर से एकदम नीचे आना है. सच्ची मुझे ट्राई करना है, मुझे मुझे लाइफ में ये वाला एक्सपीरियंस तो लेना ही है. यस पूजा आप बताइए, अब आपको डर लगता है कि नहीं लगता? मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, चाहे मैं आसमान में रहूं या पाताल के नीचे जाऊं, मुझे डर नहीं लगता है. बहुत सुंदर व्यू है गाइस, नीचे बहुत सुंदर है, इधर भी बर्फ उधर भी बर्फ उधर भी बर्फ, हर जगह बर्फ ही बर्फ. ये देखिए ये पहाड़ देखिए. अनसब्सक्राइब नहीं करेंगे, मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत प्यारे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं देखिए इतना मेहनत कर रही हूँ ब्लॉग बनाने. मेहनत तो कर रही है ये, तो मैं भी कहूंगी पेशेंस होना चाहिए भाई ब्लॉग बनाने के लिए, है ना नैन्सी दी, है ना. सही मैं नहीं कर सकती भाई, ब्रेकफास्ट में अपने अलग से 3 मिनट निकालना और भूख लग रही है खाओ. गाइस ये देखिए पूरा नीचे का हम बहुत ऊपर आ गए, बहुत ऊपर. अब लग रहा है थोड़ा सा एडवेंचर वाला, अब लग रहा है ना, अब हम एकदम ऊपर आ गए. अरे वैसे तो खाली है और पीछे को, अरे भैया इधर खाली है, नेक्स्ट है बता दे इसे, ये खाली है गाइस, ये फोन अंदर कर ले. हम दोनों ही बराबर आ रहे हैं, मेमोरी मेमोरी रह जाएगी, मेमोरी रह जाएगी. अभी हम उतर रहे गाइस, अरे गाइस छोड़ो अगली बार बार कितने वाली थी गाइस. फर्स्ट लेवल से हम नीचे उतर गए, अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट लेवल की ओर, क्योंकि इसका ना टोटल 3 लेवल है. वाह अच्छा लग रहा है ना यार, वाइब अच्छी है इधर की. कजाकी का देखिए इनको, हाय ऐसा लग रहा है ये मुझे मार डालेंगे, इतने बड़े बड़े हैं ये लोग. ये ड्रेस वीकेंड में नो ओके ओके. देखिए इतने बड़े बड़े हैं ना, ऐसा लग रहा है कि वो डंडा लेके घोच देंगे. अभी ये सेकंड लेवल है, हम अभी सेकंड लेवल पे जा रहे हैं. फर्स्ट राइड तो बहुत मजा आया. ये देखिए मुझे डर लगता है भाई, ओ गिर गया वो. कौन गिर गया? भाई वो आपको लग रहा है बहुत धीरे चल रहे हैं, बहुत फास्ट है वो, 60-70 की स्पीड से कम नहीं है वो लोग. तो गाइस अभी सेकंड लेवल जो है वो खत्म हो गया है, अभी इधर से 1 मिनट के अंदर, 2 मिनट ही ना भैया, 2 मिनट में उतर जाना वरना वापस नीचे जाना पड़ेगा. अच्छा ठीक है, घूम के रोटेट हो जाती है. अच्छा तो इधर फिर 2 मिनट के लिए रुकेंगे ये लोग, मतलब ये गंडोला इधर से 2 मिनट के लिए रुकेगा, फिर जल्दी उतरेंगे जल्दी चढ़ेंगे. इधर से उतरेगा गाइस, देखिए कितना मजा आ रहा है. वाह प्यारी वाह आपने हमारा बहुत ध्यान रखा, आप नहीं होते ना तो हम नाजायज बच्चे की तरह इधर से उधर टहलते रहते. अब नैन्सी दी है इसीलिए मजा आ रहा है. कम नैन्सी दी आ जाइए, कितना अच्छा लग रहा है. ये वी आर गोइंग ऑन अ थर्ड राइड नाउ, यस अभी थर्ड लेवल वाला लास्ट राइड. हमें वापस भी आना है ऐसे ही. अच्छा समझ गई मैं, फिर मतलब टोटल एक्साइटेड. ये
मतलब ना ये एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा, ये लेओवर बेस्ट लेओवर है, बेस्ट लेओवर है। भले ही हमें स्नोफॉल नहीं मिला बट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, स्नो तो मिल रहा है ना, फॉल का छोरो। पैराग्लाइडिंग भी कर रहे हैं लोग, वो देखिए आसमान में ऊपर। अभी हम लोग थर्ड लेवल पे जा रहे हैं, ये ऐसे बार कोड लगाना होता है, मजा आ रहा है मुझे। द स्नो इज लाइक सो अच्छा वाला स्नो। थैंक यू सो मच। ये चलो अब चलते हैं थर्ड लेवल वाला राइड पे। बाय, चलो चलो चलो, कहीं नहीं यस। सबसे लास्ट में मैं इन सब की वीडियो लेती हुई अब हम जा रहे हैं थर्ड लेवल वाला। बहुत मस्ती की है मैंने ये सेकेंड वाला लेवल में, पूरा स्नो के साथ खेला, मजे किए। कैसे बना देखिए स्टेशन यहाँ पे चढ़कर। हाँ ये तो सोचने वाली बात है, फिर है ना, है ना, सोचने वाली बात है ये तो। मतलब एक तो हम फिसल रहे हैं और ये लोग है ना मजबूती से इसको पिलर बनाया है ना, जिसने भी बनाया थैंक यू सो मच, मैं आ पाई। इससे ऊपर नहीं जा सकते हम, इससे ऊपर जाएंगे तो भगवान के पास पहुंचेंगे। अब इससे नीचे जाएंगे, ग्लेशियर पे जाते हैं। चलो दरवाजा कहाँ है, दीदी बन गई है, चलो गाइस। ओह माय साहब कितना सुंदर है ये, ये लास्ट है मतलब लास्ट लेवल, ये देखिए। सबसे टॉप में आ गए हम, गाइस ये अलमाटी का सबसे टॉप पे हम, ये देखिए अलमाटी के सबसे टॉप पे, इसको बोलते हैं शिम्बुलक। अरे इन्होंने क्या पहना है, ये वाला अच्छा लग रहा है ना इनका, ये पीछे वाला होटल। एक तो समझ में नहीं आता इनका बात क्या बोल रही है ये लोग। ब्रदर ये बोल रहे कि मेरा फेस कजाकी से मैच करता है, करता है मैच नहीं ना, इससे बोल रहा है ये। गाइस ये देखिए इनका ये हैट है। अभी हम कर रहे हैं ड्रोन शूट एकदम टॉप में, अलमाटी का ये टॉप है ना, यहाँ पे जा रही हूँ मैं ड्रोन शूट करवाने के लिए। ये लोग पिक्चर क्लिक करवा रहे हैं मुझे जाने दे। वापस नीचे टॉप पे आए थे, सबसे नीचे जा रहे हैं अब हम। तो इधर तो हमने बहुत ही अच्छी टाइम स्पेंड की है, सो अभी जाएंगे नीचे। ये और मेरा फ़ोन का चार्ज भी ख़त्म होने वाला है, ये देखिए पैराग्लाइडिंग का, ये देखिए ब्लॉगर को फेशियल दिया जाए। फेशियल आइस फेशियल। ये देखिए पूरा बहुत ऊपर है हम, हमारा ना एयरक्राफ्ट से ऊपर से ऐसे दिखता है ना, एयरक्राफ्ट से ऐसे दिखता है, तब तो हम जस्ट इमेजिन ना हम कितने ऊपर हैं लिटरली। हाँ सही कह रहे हो, डिसेंड में ऐसा दिखता होगा। हाँ ऐसे ही दिखता है, सेम देखते हैं हम कल, देखते हैं। चलो फिर चलते हैं, ऐसा तो नहीं है कि बस घूमते ही रहे, थोड़ा सा पेट पूजा करना भी बनता है।
ना, भूखे तो नहीं रह सकते अब तो ये थोड़े बहुत कुछ कुछ लाए थे, ये देखिए ये कुछ अनार का वो है, किसी पे चिल्लाएगी ना तो हंसी आ जाएगी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सबसे नीचे, अब मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगी क्योंकि ये सेम वही ये लेवल क्रॉस करके जाना पड़ता है, सबसे नीचे जा रहे हैं हम, तो उसके बाद में हम जाएंगे कहाँ जाएंगे हम, कोक्तोबे। हाँ तो कोक्तोबे, हाँ कोक्तोबे अनदर अम्यूजमेंट पार्क। ओके सो अभी हम जा रहे हैं कोक्तोबे पे, पता नहीं उसके लिए चार्ज बचेगा कि नहीं, बिकॉज अभी तो 8% हो गया है। जितना कुछ भी मेमोरी बनाया ना, अच्छा बनाया, बहुत अच्छा बनाया, बहुत एंजॉय किया मैंने तो, इतनी खुल के मजे की ना, बाप रे वो हमने देखा। अभी हम दूसरी लेवल पे, मैंने सोचा था मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगी लेकिन इधर मुझे बहुत ही अच्छा कुछ दिखा तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो अभी हम आए हैं ये कोक्तोबे पे, अब हम जाएंगे ये वाले बस से, यहाँ का बस में भी मजे ले लिया हमने, ये देखिए बाहर नाइस। अभी हम पहुंच गए हैं ये कोक्तोबे पे एंड इनके पास तो थोड़ा बहुत शॉपिंग का ये वो चीजें भी है। चलो आ जाओ, इनका टोपा देखो ये गाइस, ये लीजिए पकड़ दीजिए गाइस। अभी हम जाएंगे कोक्तोबे एक्सप्लोर करने के लिए गाइस। हमने ना इधर इनका जो ट्रेडिशनल ड्रेस है ना अलमाटी का, ये कजाकी लोगों का, उनका ये ट्रेडिशनल ड्रेस पहना, भले उन्होंने हमें फ़ोन पे वीडियो पिक्चर्स वगैरह कुछ क्लिक करने नहीं दिया, हमने उनको पे किया और हमें ये पिक्चर्स मिले। ये देखिए कैसा आया बताना ज़रूर, मुझे बड़ा मन था कि मैं वीडियो बनाऊं मतलब फोन पे ना व्लॉग में, बट दे दीदी नल्ला। और ये देखिए नैन्सी दी का इतनी प्यारी आई है, और ये है काइनी का ईगल भी पकड़ा हमने, इतना भारी था ना वो, बहुत ज़्यादा भारी था। तो हमने ये कोक्तोबे भी एक्सप्लोर कर लिया और आगे दिखाती हूँ मैं आप सबको, उधर पे ना जाइंट व्हील है, बहुत प्यारा लग रहा है, हमने इस पर पिक्चर्स भी क्लिक किए। ये देखिए देखिए ये है आई लव कोक्तोबे, सो यहाँ से ना पूरा व्यू दिखता है अलमाटी सिटी का, एंड यहाँ से ना ये केबल कार वाला जो राइड है ये भी होता है, लेकिन ये सिटी वाला वो है तो बहुत ही प्यारा है। तो गाइस ये देखिए पूरा अलमाटी सिटी, अब हम जा रहे हैं इधर से डायरेक्टली चर्च, तो आपको मैं चर्च पहुँच के दिखाती हूँ, बाय बाय। ये देखिए हम सारे जा रहे हैं अभी, बाय बाय, पक्के 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 गाइस। ये देखिए ये चर्च है कैथेड्रल चर्च अलमाटी का, जिसको बनने में एक भी कील यूज नहीं किया गया है, एंड इट्स वेरी प्रिटी। बात बताती हूँ मैं आप सबको, फास्ट एंड फ्यूरियस 5 या 7 किसी एक में तो ना यही चर्च पे शूट हुई थी, यही चर्च पे, यही चर्च गाइस। ये है चर्च, ये देखिए ये इसका बैक साइड है, और यहाँ पे ना ये घोड़े वगैरह है, अगर आपको राइड वगैरह करनी है तो कितना क्यूट सा घोड़ा है ये, हाँ, और इसकी हाइट भी कितनी प्यारी है, नहीं देखो ये बच्चों के लिए होगा शायद। ना स्ट्रीट में भी वॉक करने में इतना मजा आता है ना, क्योंकि ये जो ये पैर वगैरह है ना, सूखे सूखे पैर पत्ते में, ये अलग ही वाइब आती है। और ना ऐसा नहीं है मतलब दुबई उबई जैसा नहीं है, यूएई कंट्री हो गया या सऊदी अरेबिया हो गया, उधर क्या होता है ना एकदम क्राउड वाला बिल्डिंग वैसा होता है, इधर ना थोड़ा सा स्पेस भी है, कितना अच्छा लग रहा है। और मेरे साथ है श्वेता और काइनी, ये देखिए दोनों मॉडलिंग करके आ रही है, काइनी छुप गई है, होटल जाएंगे अब, यस हाँ भूख लग रही है, अब जाके खाएंगे, उसके बाद में हम
इवनिंग को निकल जाएंगे शॉपिंग के लिए थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम बची हुई है। मैं अभी आज वाले व्लॉग को इसी पे एंड कर रही हूं। थैंक यू सो मच मेरे व्लॉग को एंड तक देखने के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। यस यस यस, बहुत सारा प्यार देना। कल का दिन हमने पूरा एक्सप्लोर किया, आज का दिन भी हमने पूरा एक्सप्लोर किया, और ये तो मतलब अभी ये चर्च हमने लास्ट विजिट किया। अब हम जा रहे हैं होटल। होटल पहुंच के थोड़ा सा फोन वोन चार्ज करके फ्रेशन अप होके थोड़ा बहुत खा के हम निकलेंगे शॉपिंग के लिए। और कल का दिन पूरा है हमारे पास शॉपिंग करने के लिए। आज तो बस ऐसे मतलब टाइम बचा है आज भी, तो इसीलिए हम आज भी शॉपिंग के लिए थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। हाँ, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग गाइस। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।